नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। जनपद अम्बेडकर नगर में एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां हाई वोल्टेज विद्युत का तार टूटकर खेत में गिरने से करंट की चपेट में कृषि कार्य कर रहे किसान राम दरस और मौके पर बचाने पहुंची छात्रा प्रियंका की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ। सूचना पर पहुंचे SDM सौरभ शुक्ला व CO RV सिंह, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र की हरिहरपुर गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। ये 11,000 वोल्ट की कोई तार थी, वो टूट के गिर गई और इन्होंने अपने खेत के चारों तरफ तार लगाए हुए थे, जिससे टच हो गया। टच होने से पहले से राम दरस यादव पुत्र पदारथ यादव, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, की मृत्यु हो गई और उन्हीं को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की जो बगल में काम कर रही थी, देख रही थी, प्रियंका चौरसिया पुत्री प्रेम प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसको बचाने के लिए गई और उसी की चपेट में आ गई, दोनों की मृत्यु हो गई। फिलहाल विद्युत कटवा दिया गया है और तार को सही करने के लिए कह दिया गया है और इसमें जो है आपको विद्युत विभाग द्वारा 5-5 लाख रुपए की मुआवजा की धनराशि मिलेगी, जिसे यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। थैंक यू।